हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर को यूज़ करके एक क्वाडकॉप्टर बिल्ड करने वाला हूं और आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसी ड्रोन में वन बाय वन जीपीएस, टेलीमेट्री, एफपीवी और कैमरा गिम्बल इंस्टॉल करने वाला हूं और इस ड्रोन को मैं एक फुल्ली फंक्शनल ड्रोन बनाने वाला हूँ। तो अगर आप भी अपना खुद का ड्रोन बिल्ड करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस ड्रोन को बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रोन को बनाने के लिए मैंने होममेड 450mm क्वाडकॉप्टर फ्रेम बनाया है। आप यहाँ पर DJI 450mm क्वाडकॉप्टर फ्रेम भी यूज कर सकते हो, मगर उस ड्रोन फ्रेम का वेट 282 ग्राम होता है और हमारे होममेड फ्रेम का वेट 156 ग्राम है। ये उस फ्रेम से ज्यादा हल्का और ज्यादा मजबूत है। ये है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अगर आप DJI के फ्रेम को यूज करते हो तो वहां पे आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना नहीं होता है, क्योंकि उसके बॉटम प्लेट में ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इनबिल्ट होता है। तो अभी हम इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को अपने फ्रेम के सेंटर में लगा लेंगे। अब मैं इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में अपने पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर के पावर मॉड्यूल के मेन वायर को सोल्डरिंग करूंगा। यहाँ मैं रेड वायर को पॉजिटिव के साथ और ब्लैक वायर को नेगेटिव के साथ सोल्डरिंग कर रहा हूँ और इसके XT60 कनेक्टर को फ्रेम के पीछे जिपर से अच्छे से फिक्स कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे हमारा लिपो बैटरी कनेक्ट होगा। ये है इमैक्स का BL हेली 30 एम्पियर ESC। यहाँ आप कोई भी 30 एम्पियर के ESC को यूज कर सकते हो। ये दोनों वायर ESC का मेन वायर है और इस वायर को हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ सोल्डरिंग करेंगे। यहाँ पे मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ सोल्डरिंग कर रहा हूँ। सेम हमने ऐसे ही चारों ESC को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ सोल्डरिंग कर लिया है। ये हमारे ड्रोन फ्रेम का 4 आर्म है और इन आर्म्स को हम अपने ड्रोन फ्रेम के बॉटम प्लेट के ऊपर फिक्स कर लेंगे और इसी के ऊपर हम ESC को फिक्स करेंगे। ये मेरे ड्रोन फ्रेम का टॉप प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर मैंने कार्बन फाइबर स्टिकर लगाया है और इस टॉप प्लेट को हमें अपने फ्रेम के ऊपर में फिक्स करना है, लेकिन उससे पहले हमें चारों ESC के लीड को ऊपर निकाल लेना है। मैं यहाँ ड्रोन फ्रेम के बॉटम आर्म और टॉप प्लेट को आपस में जोड़ने के लिए 1 इंच का नट बोल्ट और वॉशर्स का यूज कर रहा हूँ। इन नट बोल्ट और वॉशर का यूज करके हम इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब मेरा ड्रोन फ्रेम पूरी तरह से असेंबल हो चुका है और अब ये फ्रेम बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब हमें अपने ESC को आर्म में जिपर की हेल्प से अच्छे से फिक्स कर लेना है। इसे फिक्स कर लेने के बाद हमें इस ड्रोन फ्रेम के आर्म में मोटर को इंस्टॉल करना है और मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ रेडी टू स्काई का 920 kV का BLDC मोटर। इसमें 2 मोटर क्लॉकवाइज है और 2 मोटर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है। इन मोटर्स को हमें मोटर के डायरेक्शन और मोटर के नंबरिंग को देखते हुए फिक्स करना है। ये मेरे ड्रोन का फ्रंट डायरेक्शन है और आप यहाँ मोटर के नंबरिंग और मोटर के डायरेक्शन को देख सकते हैं। अब मैं मोटर के 3 फेज वायर को ESC के 3 फेज के साथ सोल्डरिंग करूंगा। यहाँ पे मोटर के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम इन तीनों वायर में से किसी भी 2 वायर को आपस में चेंज करेंगे, तो इससे हमारे मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। शोल्डरिंग करने के बाद मैंने वायर्स में हीट सिंक ट्यूब लगाकर वायर को आर्म में अरेंज कर लिया है। ये है पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर का शॉक एब्जॉर्बर और इसी के ऊपर हमारा फ्लाइट कंट्रोलर लगेगा। इस शॉक एब्जॉर्बर को मैं डुअल टेप का यूज करके अपने ड्रोन के सेंटर में फिक्स कर रहा हूँ। ये है पिक्सॉक 2.4.8 फ्लाइट कंट्रोलर। ये एरो इस फ्लाइट कंट्रोलर के फॉरवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और इधर है फ्लाइट कंट्रोलर का आउटपुट और इनपुट पिंस। इस फ्लाइट कंट्रोलर को मैं शॉक एब्जॉर्बर के ऊपर में फिक्स कर रहा हूँ। इस ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए मैं फ्लाई स्काई FSI-6 रेडियो ट्रांसमीटर का यूज़ कर रहा हूँ और इस रेडियो ट्रांसमीटर को मैंने 10 चैनल में अपग्रेड किया है, इसलिए मैं अलग से 10 चैनल का रिसीवर यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ फ्लाई स्काई FSI-6 रेडियो ट्रांसमीटर और उसके 6 चैनल रिसीवर को यूज़ कर सकते हो। अभी मैं अपने रिसीवर को फ्लाइट कंट्रोलर के लेफ्ट साइड में फिक्स कर रहा हूँ। अब हम फ्लाइट कंट्रोलर और रिसीवर का कनेक्शन करेंगे। ये है डुपॉन्ट केबल। अगर आपके पास ये केबल नहीं है तो आप यहाँ पर फीमेल टू फीमेल जम्पर वायर का भी यूज कर सकते हो।
यह है मोटर के ESC का लीड। इसे हमें फ्लाइट कंट्रोलर के मेन आउट के पिन 1, 2, 3, 4 के साथ मोटर 1, 2, 3 और 4 को कनेक्ट करना है। ध्यान रखना कि इस फ्लाइट कंट्रोलर में ऊपर का पिन नेगेटिव होता है, बीच का पिन पॉजिटिव होता है और नीचे का पिन सिग्नल होता है। हमें ESC के लीड के येलो वायर को नीचे रखना है क्योंकि वो सिग्नल है। अब मैं पावर मॉड्यूल के पावर पॉट को फ्लाइट कंट्रोलर के पावर जैक के साथ कनेक्ट करूंगा। यह है इस फ्लाइट कंट्रोलर का बजर और इस बजर को मैं ड्रोन फ्रेम में फिक्स कर रहा हूं और इसका पॉट को मैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर के बजर जैक के साथ कनेक्ट करूंगा। यह है इस फ्लाइट कंट्रोलर का सेफ्टी स्विच और इस स्विच को भी मैं अपने ड्रोन फ्रेम में फिक्स कर लूंगा और इसका कनेक्शन मैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर के स्विच के साथ करूंगा। अब हमें ड्रोन के पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम करना है। यह है मैक्रो USB केबल और इस केबल से हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हमें अपने लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है और इसके बाद हमें गूगल पे जाना है और सर्च करना है मिशन प्लानर। मिशन प्लानर सर्च करने के बाद हमारा जो फर्स्ट लिंक होगा उस लिंक पे हमें क्लिक करना है। अब हमें डाउनलोड दी लेटेस्ट मिशन प्लानर पे क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। अब हमें इसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है। हमारा मिशन प्लानर इंस्टॉल हो चुका है, अब हमें इसे ओपन करना है। यहां हमें ऑटो सेलेक्ट करके इस बोर्ड को कनेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से हमारे फ्लाइट कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है। जिस तरीके से मैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम कर रहा हूँ, सेम आपको भी अपने फ्लाइट कंट्रोलर को ऐसे ही प्रोग्राम करना है। अब हमें रेडियो कैलिब्रेशन करना है, लेकिन इससे पहले हमें अपने ट्रांसमीटर के चैनल नंबर 5 को SWC स्विच में सेट करना है। तो जिस तरीके से मैं सेट कर रहा हूँ, सेम आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि चैनल नंबर 5 में हमारा मोड सेट होगा और मोड हमारा SWC स्विच से वर्क करेगा। और इसी के साथ हमें अपने चैनल नंबर 2 को भी रिवर्स करना है। अब हम रेडियो कैलिब्रेट पे क्लिक करके अपने रेडियो को कैलिब्रेट कर लेंगे।
अब मैं फ्लाइट मोड सेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेबलाइज रखूँगा, सेकंड में मैं एल्टीट्यूड होल्ड रखूँगा और थर्ड में मैं लैंड रखूँगा। हमारा फ्लाइट मोड अच्छे से काम कर रहा है और इसी के साथ हमारा फ्लाइट कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग कंप्लीट होता है। अब हमें अपने ड्रोन में बैटरी को इंस्टॉल करना है और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 11.1 वोल्ट 2200 मिली एम्पियर का लिपो बैटरी, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ 3300 मिली एम्पियर का बैटरी यूज़ करो। अब मुझे इस ड्रोन में प्रोपेलर इंस्टॉल करना है और मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ 10x4.5 का 2 क्लॉकवाइज और 2 काउंटर क्लॉकवाइज प्रोपेलर्स। आप यहाँ प्रोपेलर्स के डायरेक्शन को देख करके प्रोपेलर को इंस्टॉल कर सकते हो। अब हमारा ड्रोन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और अब टाइम है इस ड्रोन को फ्लाई करने का। अभी मैं इस ड्रोन को एल्टीट्यूड होल्ड मोड में फ्लाई कर रहा हूं और हमारा ड्रोन बहुत ही स्टेबल फ्लाई हो रहा है। दोस्तों, एल्टीट्यूड होल्ड मोड में ड्रोन अपना हाइट को खुद मेंटेन करके रखता है, सिर्फ हम लोगों को लेफ्ट राइट और फॉरवर्ड बैकवर्ड ही कंट्रोल करना होता है। दोस्तों, इस ड्रोन को मैंने सिर्फ पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर को यूज़ करके बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो सिर्फ पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर को यूज़ करें, मगर वो लोग जो चाहते हैं इस फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में वो GPS को भी यूज़ करें, वो इस वीडियो के पार्ट 2 को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, ये ड्रोन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये ड्रोन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इस ड्रोन को बनाने में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल में बात कर सकते हो। कॉल मी 4 ऐप से बात कैसे करना है उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में।